नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सबसे बड़ी खबर, नगरोटा एनकाउंटर मामले में पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और आतंकियों की चैट और सामान से पाकिस्तानी साजिश का भी खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को समन भेजा है। भारत ने कड़ा विरोध जताया है। आतंकियों के पास से एक हाईटेक डिजिटल मोबाइल रेडियो सेट भी बरामद हुआ है, जिससे ये पता चला कि घुसपैठ के बाद पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स चारों आतंकियों से पल पल की जानकारी ले रहे थे। आतंकियों और पाकिस्तानी आकाओं के बीच मोबाइल रेडियो से कई बार बातचीत हुई है। इसके अलावा पाकिस्तानी कंपनी का स्मार्टफोन भी मिला है, जिससे कई अहम राज खुल सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां इन मैसेजेस को डीकोड करने में जुटी हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि इस खुलासे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को समन भेजा है। आपको बता दें, जैश के चारों आतंकियों के पास से क्या क्या सबूत मिले हैं वो जानकारी भी इंडिया टीवी के पास है। पाकिस्तानी कंपनी का स्मार्टफोन, पाकिस्तान का वायरलेस रेडियो सेट, पाकिस्तान की जीपीएस डिवाइस, कराची में बनी दवाएं और पाकिस्तान में बने जूते। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया कि साजिश 26/11 की तरह बड़े हमले की थी और ठीक उसी तरह नगरोटा में मारे जाने से पहले आतंकी पल पल की खबर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भी दे रहे थे। अब आपको कुछ मैसेजेस हम दिखा रहे हैं, जहां पहले मैसेज में हैंडलर आतंकी से पूछ रहा है कहां पहुंचे, क्या सूरत हाल है, कोई मुश्किल तो नहीं, जबकि दूसरे मैसेज में हैंडलर लोकेशन पूछ रहा है, मैसेज करता है कहां पहुंचे। तीसरा मैसेज भी है जिसमें लिखा है फिर बता देंगे। ये सभी मैसेज डिजिटल मोबाइल रेडियो से किए गए हैं और इसे पाकिस्तान की एक कंपनी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, खुलासे और कई बार सबूत पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा गए हैं, लेकिन इस बीच इस खुलासे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को भी समन भेजा है। इस बारे में क्या डिटेल आपके पास? सुरभी, इन सब के एविडेंसेस हैं और डिटेलिंग है वो बताई गई है। डिजिटल मोबाइल रेडियो के बारे में बताया गया है, एनक्रिप्टेड डेटा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी सुरक्षा बल करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की कंपनी जो कि पाकिस्तान बेस्ड है और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को ये हैंडसेट एनक्रिप्टेड डेटा और कम्युनिकेशन के लिए वो देते हैं। दूसरी इसमें बड़ी बात यह है कि क्यू मोबाइल जो बरामद किया गया है उसके पास से ओवरग्राउंड वर्कर्स और पाकिस्तान के कुछ नंबर्स भी रिकवर किए गए हैं और उसी का सीक्वेंस पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। तीसरी इसमें बड़ी बात यह है कि जो डिजिटल मोबाइल रेडियो है, दरअसल उसका डेटा और साथ में जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स को यह बिल्कुल तय हो गया है कि सियालकोट की तरफ से ये आतंकी आए थे और पाकिस्तानी रेंजर्स और उनके जो हैंडलर्स हैं उन्होंने इनकी मदद की थी। जब ये कम्युनिकेट कर रहे थे तो उस दौरान इन्होंने ये मैसेज भी किया था कि 2 बजे इन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है सांबा के इलाके से और ये 2 बजे होने के बाद और ये अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि ट्रक लेकर आया था उसके ट्रक में बैठ चुके हैं। तो इसीलिए ये पूरे सीक्वेंस को पाकिस्तान के उच्चायुक्त और पाकिस्तान हाई कमीशन के जो ऑफिसर मौजूद थे एमईए में उनको बताया गया, उनको कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी 4 इसमें बातें हैं। पहली बात कि डिजिटल मोबाइल रेडियो सेट बरामद किया गया जिसमें सारे कोऑर्डिनेट, सारे मैसेजिंग पाकिस्तान के हैं और ये पाकिस्तानी कंपनी का बना हुआ है। क्यू मोबाइल जिसके अंदर मैसेज, फोन नंबर्स और साथ में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, साथ में उन्होंने नोटपैड पे कई सारी डिटेल्स जो टाइप कर रखी थी वो पाकिस्तानी बेस्ड है। तीसरा, जो शूज और मेडिसिन रिकवर हुए हैं वो पाकिस्तान के द्वारा दिए गए थे इन आतंकियों को और इनको ट्रेनिंग दी गई। जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो कि मौलाना असगर कश्मीरी, जो जैश ए मोहम्मद का लॉन्च कमांडर है, उनके द्वारा ट्रेन किया गया था और उसी के जरिए इसने घुसपैठ की थी। ये 4 बड़ी बातें हैं जो कि अब सामने निकल के आई हैं। उसके साथ साथ जब इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया तो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कश्मीर में मौजूद थे उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कई मल्टी लेवल पर रेड्स कर रही है ताकि जल्द से जल्द उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो सके जो इनके सिंपथाइजर्स थे, जो इनको मदद कर रहे थे। जी, नजर बनाए रखें, आगे भी मनीष इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका।